Hi, this side Rachna Yadav. We are at VTech Institute in a conversation with Sarika ma'am. So, hi ma'am. Ma'am, institute के बारे में आप कुछ बताइए और अपने बारे में भी, आपने बारे में कुछ बताइए. मैं यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देख रही हूँ सारा, जिसमें कि पूरी टीम को गाइड करना, फैकल्टीज़ को गाइड करना, काउंसलिंग एंड ऑल, तो सारा ये सब कुछ मैं यहाँ पर देख रही हूँ. और इंस्टीट्यूट के बारे में मैं आपको ये बताऊँगी कि यहाँ पर जो हम डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग और मॉडिफिकेशन का 1 ईयर डिप्लोमा प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये. ओके, सो मैम, जैसे कि अभी मेरी आपके स्टूडेंट से भी बात हो रही थी, सो स्टूडेंट जो है काफ़ी हैप्पी हैं आपके एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग, सो आप उनके बारे में कुछ बता दीजिए. स्टूडेंट्स एक्चुअली इसलिए हैप्पी हैं कि जो ये कोर्स है ना, वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग और मॉडिफिकेशन का कोर्स है. तो जितनी भी क्लासेस होती हैं, मतलब प्रैक्टिकल को हम ज़्यादा कंसीडर करते हैं एज फार एज जो थियोरेटिकल पार्ट है उसको लेके, तो प्रैक्टिकली वो चीज़ों को कर रहे हैं और समझ रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में अगर हम कहीं उनको प्लेस भी करते हैं, प्लेसमेंट भी देते हैं, तो वो भी प्रैक्टिकल ही करवाएंगे. तो मोस्टली जो क्लासेस होती हैं वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्लासेस हैं इसलिए. ओके मैम, जैसे अभी एक स्टूडेंट से भी मेरी बात भी हो रही थी और फ़ीस के बारे में मैं उनसे कुछ पूछ रही थी, तो उन्होंने बताया था कि फ़ीस में भी आप रिलीफ देते हैं कि इसलिए वो यहाँ पे बहुत एनवायरनमेंट एकदम फैमिली टाइप का वो उनको मिलता है, तो आप उसके बारे में फ़ीस के बारे में. जी, क्योंकि जितने भी बच्चे अभी हमने कंसिडर किए हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं, तो आपको भी पता है कि मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो फ़ीस मैटर करती है उनके लिए पहले. तो इसमें ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी को भी हमने डिस्काउंट दिया हुआ है, लेबर कार्ड ईडब्ल्यूएस पे भी है, और जो सिंगल मदर के बच्चे हैं उनको भी दिया, और इंस्टॉलमेंट पे भी पे कर सकते हैं. कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको बाहर से परचेज करनी पड़ती हैं, जैसे बैग है, स्टडी मटेरियल है, ये सारी चीज़ें हम उनको यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं. दैट्स रियली ग्रेट मैम, दैट्स रियली ग्रेट. आप सब मतलब स्टूडेंट्स की बेसिकली आप एक डेवलपमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं और साथ ही उनकी स्टडीज़ में भी हेल्प कर रहे हैं और बहुत ही फैमिली एनवायरनमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट्स रियली ग्रेट. एंड साथ ही मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि VTech इंस्टीट्यूट ही क्यों कि स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं, जैसे कि अभी आपने बताया, फिर भी आप थोड़ा अगर उसके कोर्सेज और उनकी कुछ ड्यूरेशन का आप एलेबरेट कर सकें. देखिए, पॉलिटेक्निक या ITI में हम जाते हैं, सेम अगर इस कोर्स को हम पॉलिटेक्निक ITI में देखते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज ITI ले लेता है आपके 2 साल, पॉलिटेक्निक 3 साल. तो ये डिप्लोमा हम 1 ईयर में दे रहे हैं बच्चों को, है ना, तो उनके लिए जॉब के लिए भी इजी है, उनको टाइम कंज्यूमिंग नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं कि कुछ कोर्सेज हमने एडिशनल दिए हैं उनको, स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है इसके साथ, सिमिलर चलता है क्लासेस के साथ, बेसिक कंप्यूटर है, PDP है यानी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंड AutoCAD ऑल्सो, इंटीरियर डिजाइनिंग का जो AutoCAD प्रोग्राम है वो भी हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. तो कहीं ना, और ये सभी चीज़ें जो हैं वो फीस में ही इंक्लूड हैं, अलग से उनको कोई चार्ज नहीं देना, एग्जामिनेशन फीस उनको कुछ नहीं देना, स्टडी मटेरियल यहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रही हैं. सो मतलब कि आप जैसे कि क्लासेस के साथ साथ आप उनको एक्स्ट्रा क्लासेस भी प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के, विच इज़ वेरी गुड. जैसे बैकअप क्लासेस हैं या कुछ डाउट सेशंस हैं उनके, तो मंथ एंड में हम उन बच्चों को वो भी देते हैं. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि सभी को ज़रूरत पड़ती है लीव की, तो जो अगर वो लोग एप्लीकेशन साइन करके यहाँ देते हैं तो उनकी लीव के लिए बैकअप क्लासेस उनको देते हैं. ओके मैम, सो क्लासेस का टाइमिंग कैसा रहता है वीकली? मॉर्निंग से स्केड्यूल है ये, क्योंकि बच्चे यहाँ से बहुत दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, नोएडा से भी बच्चे यहाँ हैं, टिकरी बॉर्डर, नजफगढ़, बहादुरगढ़ से भी बच्चे हैं, तो मॉर्निंग में 8 o'clock स्टार्ट हो जाता है. 2 hours की भी थियोरेटिकल पार्ट में चलती हैं हमारी क्लासेस, तो 8 to 10, 10 to 12, इस तरीके से कंटिन्यूस 5 to 6 तक चलती हैं. ओके मैम, एनीथिंग एल्स यू वांट टू से अबाउट? वीकेंड्स में कुछ वर्किंग स्टूडेंट्स भी थे हमारे पास, उनके लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उनको वो कैसे लेंगे, कुछ वर्किंग है या कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर क्लास में रेगुलर एडमिशन लिया हुआ है उन्होंने, तो उनके लिए तो पॉसिबल नहीं था कि मंडे टू फ्राइडे दें, तो वीकेंड्स क्लासेस हमने स्टार्ट की उनके लिए, तो सैटरडे संडे वीकेंड क्लासेस भी हो रही. वीकेंड क्लासेस में ये है कि थोड़ा टाइम उनका टाइम आवर्स बढ़ा दिए हैं, बट वो सैटरडे संडे कर सकते हैं, यानी इजीली कर सकते हैं, वो अपना जॉब भी कर सकते हैं, सिमिलर चल सकती है उनके, और सैटरडे संडे क्लास लेके ये कोर्स भी कंप्लीट कर सकते हैं. सो वर्किंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत कन्वीनियंट है, वर्किंग के लिए भी कन्वीनियंट है, और जो बच्चे रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं, रेगुलर उन्होंने अपना UGPG प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो लोग भी कर रहे हैं इजीली. इवन यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं वो कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो ITI किए हुए हैं या ITI कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक भी कर रहे हैं, और सिमिलर इसको भी कंटिन्यू किया हुआ है. सो मतलब साथ साथ दो कोर्सेज कर सकते हैं, दोनों ही कर रहे हैं. ओके, थैंक यू सो मच सारिका मैम फॉर गिविंग मी योर प्रीसियस टाइम. सो इन अ कन्वर्सेशन विद सारिका मैम, थैंक यू मैम.